दोस्तों ये लड़की हमेशा सांप के साथ सोती थी, पर एक दिन सांप का वजन अचानक से घटने लगा तो उसको कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश ही उड़ गए। एक्चुअली ये बात है साल 2010 की, जब कैमिला नाम की एक लड़की थी तो उसके पेरेंट्स का खुद का एक पेट शॉप था जहां वो ऑलमोस्ट सभी पालतू जानवर को रखते थे। बट उनके दुकान की खास बात ये थी कि वे ज्यादा सांपों को रखते थे और उनके घर में करीबन 100 सांप उनके साथ ही रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जब कैमिला 17 साल की हुई तब उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में मारे गए और उस दिन वो कार में सांपों से भरा हुआ टोकरा भी रखे थे। बट एक्सीडेंट में सारे सांप मारे गए सिवाय एक के। एक सांप जिंदा था जो कि एनाकोंडा का बच्चा था, जिसके बाद कैमिला उस एनाकोंडा के बच्चे को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर उसे अपने साथ रखने लगी। धीरे धीरे वो सांप भी बड़ा हो गया और एक दिन अचानक से वो खाना खाना ही बंद कर दिया। कैमिला उसको कुछ भी खाने को देती पर वो इग्नोर कर देता और कुछ दिनों बाद उसका वेट काफी घट गया। इसके बाद कैमिला ने उसे एनिमल डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने जो बताया उसे जानकर आप शॉक्ड हो जाओगे। डॉक्टर ने बताया कि आपके सांप की तबीयत खराब नहीं है, बल्कि ये खाना न खाकर अपने पेट में जगह बना रहा है ताकि ये आपको खा सके।